करना मैं पचोर से हूँ, मेरी गाड़ी साजापुर बाईपास पे इन पुलिस वालों की वजह से पलटी खा गई है। चलती गाड़ी के सामने चार पुलिस वाले आ गए, चलती गाड़ी के सामने। हम मिनिमम स्पीड में चल रहे थे, हमें पचोर जाना था। ये दो दो 500 के चक्कर में पुलिस वाले गरीबों का खून चूस रहे हैं, गाड़ी रोक रोक के दो दो 500 रुपए मांगते हैं। अगर इन्हें ना दो तो ये हमें मारते अलग है। इस महामारी में हम हमारे परिवार को चलाएं कि इन पुलिस वालों का पेट भरें? इन्हें तो भारत सरकार तनख्वाह दे रही है, हमें कौन दे रहा है? हम घर में बैठे इस लॉकडाउन में हम हमारे परिवार को खिलाएं कि ये करें? मेरे आज 2.5 लाख की पूंजी, मेरे जीवन भर की पूंजी जो मैंने आज कमाई थी, इस रोड पे बिछा दी पुलिस वालों ने। चलती गाड़ी के सामने ये आ गए और जैसी गाड़ी पलटी खाई उनको बचाने के चक्कर में, या हम उस गाड़ी उन पुलिस वालों पे गाड़ी चढ़ा दें या उन्हें बचा लें। हमने उन्हें बचाया तो हमारा नुकसान हो गया। क्या हमने उन्हें बचा के गलती करी? ये दो दो 500 के चक्कर में हमारा इतना नुकसान करते थे, मेरी जीवन भर की पूंजी पुलिस वालों ने खत्म कर दी। ये साजापुर बाईपास पे घाट के ऊपर है। हम क्या चाहें? ये नरेंद्र मोदी सरकार एवं शिवराज सरकार से ये पूछना चाहता हूँ मैं कि हमारी क्या भारत में पैदा होना है, भारत में जन्म लेना हमारी गलती है? हमें शिवराज सरकार को एवं नरेंद्र मोदी सरकार को वोट देना हमारी गलती है क्या? हम ये चाहते हैं, मेरी आज जीवन भर की 2.5 लाख की पूंजी ये रोड पे पुलिस वालों ने बिछा दी है। मैं कैसा अपने परिवार को मैं जेर खाऊं, क्या करूं? मैं ये चाहता हूं कि इस पोस्ट को नरेंद्र मोदी जी, शिवराज जी चौहान एवं पूरे अधिकारी तक पहुंचाया जाए, मेरा न्याय हो। कैसे ये पुलिस वाले हमें रोड पे चूस रहे हैं, गरीब परिवार को 500 रुपये मांगते हैं, हर 10 किलोमीटर पर 500 रुपये मांगते हैं। हम क्या चोरी का माल ला रहे हैं, दो नंबर का धंधा कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं? हम हमारे परिवार को ईमानदारी से खाना खिला रहे हैं, 200-200 रुपये कमा रहे हैं, ये हमारी गलती है क्या? ये आगे से आगे निवेदन है, इस पोस्ट को शिवराज सरकार तक और नरेंद्र मोदी तक पोस्ट करे। जो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ साजापुर में, वो पुलिस द्वारा हाथ दिया गया था, उसकी जानकारी मुझे पूर्ण नहीं थी। पुलिस का हाथ दिया गया था, ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ा इस हाथ देने के बाद, तो वो गाड़ी पलटी खा गई। पलटी खाने के बाद पुलिस वालों, जब मुझे पूरी पूर्ण जानकारी हुई कि पुलिस वाले राहगीरों को बिठाने के लिए उनने कहा दिया था, और उनने जो देखा कि गाड़ी पलटी खा गई है, तो थोड़ा सा वो इधर उधर हो गए थे, पर उनका वो उद्देश्य नहीं था। आज मुझे उस चीज़ का खेद है, मुझे बाद में पूरा पता चला है कि गाड़ी दूसरा उद्देश्य से रुकवाई गई थी, कोई एंट्री के उद्देश्य से नहीं रुकवाई गई थी। इसके लिए मैं खेद में आता हूँ।